से डी गैस, यदि आप नेक्स्ट ईयर दिल्ली से डीएलएड जेबीटी कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स में एडमिशन का दोस्तों क्या प्रोसेस है, और देखिए दिल्ली में दोस्तों पिछले 2 साल से इस कोर्स में एडमिशन के लिए दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो आप लोग दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी सेल्फ स्टडी के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, दिल्ली में दोस्तों डीएलएड जेबीटी कोर्स का जो फॉर्म है ये कब आता है, कब से एडमिशन स्टार्ट होंगे, और दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन के लिए जो है ना गवर्नमेंट डायट कॉलेज के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एज लिमिट क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या दोस्तों अदर स्टेट्स के स्टूडेंट भी क्या दिल्ली से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, और दिल्ली में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एज मैंने खुद जो है दिल्ली से 2022 में जो है डीएलएड कोर्स कंप्लीट किया है, 2020 में मैंने एडमिशन लिया था तो मुझे कितना फीस लगा था, ठीक है ना, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों ये है प्रोस्पेक्टस जो कि 2023 में एडमिशन स्टार्ट हुआ था ना उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया था, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग एक बार देख लीजिए कि कितने गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है, कहाँ कहाँ पर है और कितनी सीटें हैं। देखिए दिल्ली में दोस्तों गवर्नमेंट डाइट के कुल 9 कॉलेज हैं और इसमें 1040 सीटें हैं, और इसमें से 15% जो सीटें हैं ना ये अदर स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए रिजर्व हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं और कौन सा कॉलेज कहाँ पर है, इसका एड्रेस भी देख सकते हैं, ठीक ना। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जब एंट्रेंस एग्जाम होता है ना उससे पहले दोस्तों आपको जो है उसके लिए एडमिशन लेने के लिए जो है आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, तो उस टाइम पे दोस्तों आपको जो है ना कॉलेज प्रेफरेंस फील करना होता है, इसका मतलब यह है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखिए प्राइवेट कॉलेज में क्या है ना, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है और कुछ कॉलेज गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज है, तो जब आप कॉलेज प्रेफरेंस फील करेंगे ना तो उस टाइम पे दोस्तों आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज फील करना है, ठीक है ना, और उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेज फील करना है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ गाइस क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं ना जैसे डायरेक्ट पीतमपुरा हो गया, डायरेक्ट केशवपुरम हो गया, ये कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर कट ऑफ हाई जाता है, तो ऐसे में गाइस सबसे पहले जब आप कॉलेज प्रेफरेंस फील करेंगे तो सबसे पहले ये वाला कॉलेज ही आपको दिखेगा, तो मोस्टली स्टूडेंट जो है ना स्टार्टिंग के ही 4 कॉलेज फील करते हैं, तो इससे क्या होता है कट ऑफ हाई चला जाता है, तो इस संदर्भ में दोस्तों आपका क्या बेनिफिट होगा, अगर आप ज़्यादा कॉलेज फिल करेंगे तो मान लीजिए इन सभी कॉलेजेस में कट ऑफ मान लीजिए 150, देखिए दिल्ली में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 नंबर के होते हैं, तो अगर आप मान लीजिए इन दोनों कॉलेज का कट ऑफ 100 जाता है, ठीक ना, और अगर आपके 99 बनते हैं, तो अगर आपने ओनली ये तीनों कॉलेज ही फील किए हैं और अगर आपका 99 बन रहा है तो फिर इन तीनों में तो नाम आएगा नहीं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा कॉलेज फील किया होता तो आपका किसी में आ जाता नाम नीचे वाले कॉलेज में, तो ये फायदा होता है जो कि कोई आपको बताएगा नहीं, जो चीज़ें मुझे पता ही है मैं पहले बता देना चाहता हूँ। अब प्राइवेट कॉलेज क्यों फील करें, अब मान लीजिए दोस्तों आपका जो है गवर्नमेंट डाइट कॉलेज के मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, नंबर कम बनने की वजह से मान लीजिए 70 ही बनता है, तो ऐसे में आपका सेकेंड ऑप्शन होगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा एडमिशन, लेकिन अगर आप ओनली गवर्नमेंट डाइट कॉलेज फील करेंगे और अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए, कट ऑफ लिस्ट में नाम नहीं आया गवर्नमेंट डाइट के, तो फिर प्राइवेट भी नहीं मिलेगा, तो सेकेंड ऑप्शन अगर आपको जरूर रखना है तो कॉलेज प्रेफरेंस में सबसे लास्ट में प्राइवेट कॉलेज फील करना है, ऊपर में गवर्नमेंट करना है क्योंकि प्राइवेट सबसे ऊपर कर देंगे तो फिर वही प्रेफरेंस आपको मिलेगा, बाकी जो फाइनल सिलेक्शन होता है ना वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग होगा, कॉलेज प्रेफरेंस फील करने से नहीं होगा, नंबर के अकॉर्डिंग होगा लेकिन कॉलेज प्रेफरेंस तो होता ही है, लेकिन डिसाइड करेगा फाइनल आपका नंबर कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए मैं आपको फीस बता देता हूं यहां पर कितना है, देखिए सबसे पहले आप लोग एज लिमिट देख लीजिए, तो ये 2023 के अकॉर्डिंग एज लिमिट जारी किया गया है, 2024 में एक साल आप कम कर लीजिएगा, 2024 में जब एडमिशन स्टार्ट होंगे तो देखिए सितंबर 2024 तक आपका जो एज है वो 14 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये जनरल का है, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए देखिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो अगर आप मान लीजिए ज़्यादा आपका एज हो रहा है तो ऐसे में गाइज आप SC ST OBC किसी कैटेगरी का जो आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गाइज OBC का लिखा हुआ नहीं है, जो लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप लोग उसी अकॉर्डिंग SC ST का ही सर्टिफिकेट बनाएं, ठीक ना। ये 2023 का है प्रोस्पेक्टस, तो 2024 में जब जारी किया जाएगा तो एज आपका 2024 सितंबर तक जो है 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज में दोस्तों कितनी सीटें जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व किया जाता है ये भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना।
देखिए ये है एग्जाम पैटर्न। अब मैं डिटेल वाला सिलेबस इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कितने क्वेश्चंस कौन कौन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, और टेंथ लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आएंगे, और मैथ के क्वेश्चंस क्लास 8 लेवल के आएंगे, लेकिन वो ट्रिकी आएंगे, इतना आसान नहीं आएगा। देखिए अब हम फीस की बात करते हैं, तो देखिए गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज की फीस कितनी है, टोटल वन ईयर की अगर मैं फीस की बात करूँ ना, देखिए टोटल टू ईयर की अगर हम फीस की बात करें गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज की, तो 16,000 से 17,000 रुपये आपको लगेगा टोटल टू ईयर की, और प्राइवेट कॉलेज की अगर हम फीस की बात करें तो 75,000 रुपीज़ लगेगा टोटल, 75,000 रुपीज़, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा टू ईयर की। और ये फीस आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं क्वार्टरली, हर तीसरे महीने में आप 9,375 रुपये पे कर सकते हैं, इतना ही मैं पे करता था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन था क्या निगेटिव मार्किंग है, तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या क्या चीज़ें कवर हो चुका है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की फीस पता चल गया, अदर स्टेट्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एज लिमिट क्या है ये भी हमें पता चल गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि अगर आपने 12th पास कर रखा है, 50% अगर आपके 12th क्लास में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, और रिजर्व कैटेगरी को कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, तो कम से कम 50% जरूर लाएं क्लास 12th में बेस्ट 5 सब्जेक्ट में, और एक लैंग्वेज होना चाहिए। अगर आपकी हिंदी में अच्छे नंबर नहीं है तो इंग्लिश लगा सकते, लेकिन लैंग्वेज एक जरूर होना चाहिए, बाकी 4 सब्जेक्ट। एग्जाम पैटर्न पता चल गया, डिटेल वाला सिलेबस अभी देखते हैं, इन तीनों पर हम बात करते हैं। देखिए एडमिशन, हमें एडमिशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट ईयर दोस्तों जब भी सीबीएसई का रिजल्ट आएगा उससे 2 दिन पहले ही एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट जून में आया, क्योंकि पिछले साल तो मई में ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मई के लास्ट में रिजल्ट आ गया था, जून में आएगा तो जून में, या जुलाई में तो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी से अगर देखा जाए तो आपके पास गैस लगभग जो है ना 5 से 6 महीने का टाइम है, ये मान लीजिए। अब 5 से 6 महीने में दोस्तों अगर आप 75,000 रुपीज़ आप बचाना चाहते हो, गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज से करना चाहते हो, तो फिर गैस आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। अब कौन सी बुक आपको पढ़नी है ये मैं आपको बताऊंगा, तैयारी कैसे करना है ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। सेल्फ स्टडी करके ही आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई अदर से ऑनलाइन मतलब कि कोई क्लासेस नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों ये है डिटेल सिलेबस दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके एग्जाम में करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। इसी तरीके से सोशल साइंस के जो है, मतलब सोशल साइंस में आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और एंड ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितने हो गए, 30 हो गए। अब आप किस में कितने नंबर ला सकते हैं और कितना लाना होगा ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा साथ ही साथ। और देखिए इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम जनरल साइंस की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए उसके बाद बेसिक कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ के ओनली 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट का ये बेनिफिट है कि मैथ में अगर उनका मैथ इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, तो भी 5-6 नंबर भी ले आएंगे तो कोई भी मैटर नहीं करेगा। ओवरऑल देखा जाता है मैथ में आप 2 नंबर भी लाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद दोस्तों देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन पूछा जाता है। अब रीजनिंग में क्या है ना, रीजनिंग के टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो है जनरल मेंटल एबिलिटी, आपका मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 15 क्वेश्चन जो है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से पूछा जाता है, जो कि रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में जैसे क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें मिसिंग द फाइंडिंग द मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सभी टॉपिक है जो कि ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, तो चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर चेक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि पैसेज के होते हैं, और हिंदी के भी 10 क्वेश्चन जो कि पैसेज से आते हैं मोस्टली क्वेश्चन, ठीक ना, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए 150 क्वेश्चन पूछ। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज कितने नंबर वालों को मिला था, और नेक्स्ट ईयर 2024 में आपको कितने नंबर लाना होगा गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज के लिए। तो अगर हम गैस प्रीवियस ईयर की बात करें तो देखिए 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 नंबर के पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हर साल लगभग जो है 15,000 स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं, और हर साल जो है स्टूडेंट की संख्या बढ़ती है, लेकिन गाइस 2024 में और ज्यादा स्टूडेंट बढ़ेंगे डीएलएड में। इसके पीछे का रीजन क्या है गाइस, बीएड वालों को जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी से बाहर कर दिया है। अब ऐसे में गाइस प्राइमरी लेवल का जो वैकेंसी है ना, ये बाकी अदर अगर हम बात करें टीजीटी और पीजीटी से, तो सबसे ज्यादा निकलता है वैकेंसी पीआरटी में 1 से लेकर 5 में। तो मोस्टली स्टूडेंट जो 2024 में जो है बीएड करने के
बारे में सोच रहे थे वो भी अब डीएलएड में आ जाएंगे, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। अगर हम 2023 की कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ दोस्तों 90 गया था, क्योंकि 15,000 जो स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं ना, इसमें से गाइस 80% जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं उसी हिसाब से कट ऑफ जाता है कैटेगरी वाइज। अगर हम ओबीसी की बात करें 2023 की और ईडब्ल्यूएस, तो दोनों का लगभग सेम ही गया था, 85 गया था, और एससी का गाइस 80 गया था, और एसटी का जो है ये 77 के आसपास गया था। अब 2024 में आपको कितना नंबर लाना होगा, तो 5-5 आप और बढ़ा लीजिए। जनरल कैटेगरी को अगर आप 95 लाते हैं तो इजीली आप गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा आपको। ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 90 आप लाइए, एससी एसटी की अगर हम बात करें तो कम से कम आप जो है 85 ले आइए, ठीक है ना। अब दोस्तों आप इतने नंबर कैसे ला सकते हैं, एक थोड़ा आसान तरीके से दोस्तों, टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि सभी 10th लेवल के ही होंगे, ठीक ना। तो साइंस में दोस्तों आपके जो है 10 केमिस्ट्री, 10 बायो एंड 10 फिजिक्स के होंगे, और सोशल साइंस में आपके 10 जो है पॉलिटिकल साइंस, 10 ज्योग्राफी और 10 हिस्ट्री के होंगे। तो मान लीजिए दोस्तों आप साइंस में 20 नंबर लाते हैं 30 में से, ठीक ना। सोशल साइंस में आप 20 लेकर आते हैं, रीजनिंग में क्या है ना, 15 क्वेश्चन जो है आपका मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो 15 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के होते हैं ना, वो बहुत ही आसान होते हैं, 15 में से आप 15 ला सकते हो। और लॉजिकल रीजनिंग में जो है आपका वही वेन डायग्राम, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 30 में से दोस्तों आप मान लीजिए 15 ही लेकर आते हैं, ठीक ना। मैथ बहुत सारे स्टूडेंट का काफी ज्यादा वीक होता है, तो 5 ही मान लीजिए। कंप्यूटर में आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं, फिर भी हम 5 ही लेकर चलते हैं। इकोनॉमिक्स में दोस्तों आप 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं, ठीक ना। करंट अफेयर में मान लीजिए आप 5 ही नंबर लाते हैं। हिंदी और इंग्लिश में आप देखिए, हिंदी जिनका जो हिंदी मीडियम से, वो हिंदी में 10 ला सकते हैं, इंग्लिश में भी 10, क्योंकि इसमें पैसेज के क्वेश्चन आते हैं और इजी लेवल के ग्रामर के आते हैं। तो 20 में से आप मान लीजिए 10 ले आते हैं, 5-5 ही ले आते हैं। अब देखिए कितना हो रहा है आपका, 20-20-40-20-60, उसके बाद 60 और 10 70 70 10 80 और 10 90, 90 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप इतना ले आते हैं दोस्तों, तो इजीली आपको गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए, 3-4 महीने में आप इतना अच्छा तैयारी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा डीपली पढ़ना होगा। सार संग्रह की एक बुक आती है दोस्तों एनसीईआरटी की, और एक लूसेंट की बुक आती है, इन दो बुकों को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 75,000 रुपीज बच जाएगा। मेरा काम था बताना दोस्तों, अब आपका काम है पढ़ना, ठीक है ना। तो अगर आप लास्ट के 3 महीने भी पढ़ लेते, कोई मैटर नहीं करता कि आप अभी से पढ़ें। देखिए जून जुलाई में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप जनवरी से स्टार्ट कीजिए। लेकिन आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप, अगर आपको अच्छा गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज चाहिए फर्स्ट रैंक वाला, जैसे पीतमपुरा हो गया, केशवपुरम हो गया, तो फिर आप मैथ अभी से पढ़ें, अभी से आप जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस कर लीजिए, रीजनिंग अभी से आप सीख लीजिए, रीजनिंग आप 30 में से 25 भी ला सकते हैं अच्छे से 1-2 महीने तैयारी करके, ठीक ना। तो अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स